पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ दिनों से टीएमसी के अंदर अंदरूनी कलह यहां देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि पश्चिम बंगाल में युवा बनाम वरिष्ठ नेता की जंग छिड़ी हुई है। अभिषेक बैनर्जी कहीं ना कहीं से नाराज भी बताए जा रहे थे पार्टी से, क्योंकि अभिषेक बैनर्जी एक तरफ जहाँ वरिष्ठ नेताओं के सेवानिवृत्ति की वकालत कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ नेताओं के सम्मान की बात कर रही थी ममता बैनर्जी। कहा जा रहा था कि अभिषेक बैनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं तृणमूल के ही कई वरिष्ठ नेता। और इसी बीच जो चुप्पी इतने दिनों से साधे हुए थे अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। जी हाँ, एक नई पेंशन योजना वृद्धों के लिए उन्होंने शुरू की है अपने लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर से। बीते कल ही हमने देखा कि विशाल जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वृद्धों के लिए बड़ी सौगात दी अपने ही लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर से। उन्होंने इस पेंशन योजना की शुरुआत की है। यहाँ हम आपको बता दें कि बीते कई दिनों से वे नाराज बताए जा रहे थे, यहाँ युवा बनाम वरिष्ठ नेता की जंग छिड़ी हुई है, और इसी बीच उन्होंने इसी कार्यक्रम से, इसी मंच से एक बयान दिया है। दरअसल अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जो काम 30 की उम्र में किया जा सकता है वो 56 की उम्र में प्रभावी रूप से किया जाता है, काफी दिक्कत होती है। क्या कुछ उन्होंने कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। दिलीप दा के बोली, मोहन दा के बोली, जे आपनारा 3 मास रास्ते थाकुन, असुविधा तो होबे एकटू होलेओ, दल बोलछे बोलते हय बोले हयतो थाकबे, किन्तु असुविधा होबे ना। सेई तुलनाय जदि आमी एकटा 25 बछरेर छेलेके बोली, तार तो किछुटा होलेओ कम असुविधा होबे, कर्मक्षमता रयेछे। ठीक एकई जिनिस आमार जन्य प्रयोज्य, आजके आमी करते पेरेछि, 56-60 बछर जेदिनके होबे सेदिनके पारबो ना, এটাই তো আমি বলতে চেয়েছি। আজকে এখানে যারা আছে সংবাদ মাধ্যমের, যারা ক্যামেরা হাতে আপনি শুট করছেন, আপনারা বলুন তো আপনাদের কত বয়স? আজকে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন 3 ঘন্টা ধরে, আপনার 60 বছর বয়স হলে আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন? পারবেন? একজন আমাকে হাত তুলে বলুন আমি আমার কথা প্রত্যাহার করে নেব। পারবেন না, অসুবিধা হবে, ঘন্টার পর ঘন্টায় এত ভারী ক্যামেরা নিয়ে ছোটা ছুটি, এদিকে খবর হচ্ছে, ওদিকে খবর হচ্ছে, এদিকে ছুটছি কখন, ওদিকে ছিটছি, ভিড়ের মধ্যে গুতো গুতি, এটা অসম্ভব হয় নাকি? প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য, খেলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিত আমি মনে করি। এই কথাটা এত বাজার গরম করার মতো কি আছে? কিছু তো নেই। তো জেসা কি আপনি শোনা অভিষেক ব্যানার্জি কা ইয়ে বয়ান। लेकिन सवाल एक और खड़ा हो रहा था कि जो लोकसभा चुनाव आने हैं, क्या अभिषेक बैनर्जी इस लोकसभा चुनाव में केवल डायमंड हार्बर तक ही सीमित रहेंगे? क्या वे लोकसभा चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार नहीं करेंगे? इस तरह के तमाम सवाल यहां उठकर खड़े हो रहे थे। और ये जो हवा फैल रही थी, ये जो अफवाहें फैल रही थी, इसी बीच उन्होंने बयान दे दिया। अभिषेक बैनर्जी ने बीते कल ही मंच से इस बात को साफ कर दिया है कि वे लोकसभा चुनाव में टीएमसी के लिए चुनाव प्रचार में उतरेंगे या फिर नहीं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। তৃণমূল ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়বে 2024 সালের লড়াই, চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। আর আমি আবার বলছি, আমাকে দল যা গুরু দায়িত্ব দেবে নিশ্চিতভাবে, আমাকে সময় যেহেতু ডায়মন্ড হারবারে দিতে হবে, সেই কারণে আমার প্রায়োরিটি হয়তো ডায়মন্ড হারবার থাকবে, কিন্তু দল যখন যেভাবে আমাকে ব্যবহার করতে চাইবে, আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি আর জোড়া ফুলের ঝান্ডা নিয়ে আমাকে যেখানে দল যেতে বলবে, যে বুথে ঢুকতে বলবে, যে বিধানসভায় যেতে বলবে, আমি যাব। এর মধ্যে কোনো রকম কোনো কলহ অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখবেন না। তো জেসা কি আপনি দেখা कि अभिषेक बैनर्जी लोकसभा चुनाव में चुनावी प्रचार में उतरेंगे, ममता बैनर्जी जैसा आदेश देंगी, पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा वो वैसा ही करेंगे, लेकिन जो पेंशन योजना वृद्धों के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी ने शुरू की है, उसे लेकर अब बीजेपी हमलावर हो गई है। जी हाँ, बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है इस पैसे के स्रोत को लेकर। গণতান্ত্রিক ভাবে ভোটটা করতে দেন, গণতান্ত্রিক ভাবে ভোটটা করতে দেন, লুট করবেন না, তাহলে দুধ আর জল আলাদা হয়ে যাবে। চ্যালেঞ্জ স্বীকার করলাম,
ডায়মন্ড হারবারেই পদ্মফুলের যে প্রার্থী হবে ওকে হারাবে, কয়লার টাকা, ঘুষের টাকা, লুটের টাকা বিতরণ করেছে, এই 16,800 জন ডোনারকে তার তালিকা চাই, তালিকা না চাইলে ইনকাম ট্যাক্সকে দাবি করব যে এরা ফেক ডোনার, আর্টিফিশিয়ালি বানানো ডোনার, না কয়লা, বালি, মদ বিক্রির টাকা, ডিয়ার লটারির টাকা, তার তথ্য অনুসন্ধান করে ইটস এ বিগ ফাইন্যান্সিয়াল স্ক্যাম, ইটস এ ওয়ান টাইপ অফ ব্রাইব টু দি ভোটার্স, যেটা ভারতীয় আইনে কখনোই স্বীকৃত নয় যে নিজের কনস্টিটিউয়েন্সি ভোটারদেরকে এইভাবে লাগাতার ঘুষ দেওয়ার যে প্রথা, ইটস এ ভেরি অ্যালার্মিং। এর এগেনস্টে যা যা পদ্ধতি অনুযায়ী করার লিডার অফ অপোজিশন হিসেবে আমি করব। দেখা যায় তো কহিন না কহিন সে টিএমসি মে হি জো অন্দরুনী কলহ বিতে কই দিনো সে দেখনে কো মিল রহি হ্যায় অর ইসি বিচ জো অভিষেক ব্যানার্জি কি নারাজগি কি খবরে লাগাতার সামনে আই, টিএমসি নেতা খুদ এক দূসরে পর আরোপ প্রত্যারোপ লাগাতে দেখে গয়ে। कहीं ना कहीं से टीएमसी में ये फूट देखने को मिल रही थी और अभिषेक बैनर्जी जो कि नाराज बताए जा रहे थे, चुप्पी साधे हुए थे कई दिनों से, लेकिन अब जाकर उन्होंने बयान दिया, मंच को संबोधित किया। परसों बाद वो एक बार फिर से मंच से गरजे, यहाँ तक कि वृद्धों के लिए नई पेंशन योजना लाई। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इससे पहले जो फूट की खबरें टीएमसी के अंदर से सामने आ रही है, जो अंदरूनी कलह की खबरें सामने आ रही है, इसमें टीएमसी कैसे इस पूरी कलह को मिटा पाती है देखने वाली बात होगी। और जो फूट देखने को मिल रही है, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ता है या फिर नहीं, देखने वाली बात होगी। पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरें लाल के साथ, खबरें आपकी नजर हमारी।